ये दिखाएंगे हम, इसको स्कैन करवाएंगे, फिर अंदर जाएंगे यहाँ पे। वाह, क्या बकवास है, कसम से क्या बच्चे हैं। देखिए मूवमेंट हो रही है कतर में, ये देख रहे हैं आप। नहीं, ये वो कीड़ा है जो तुम लोगों के अंदर पाया जाता है। आज की जो अच्छी बात या अच्छी एडवाइस कह लो, ये वो यही है यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एसेंशियल्स। फेवरेट करते हैं आज के व्लॉग यहीं से स्टार्ट। I'll be the last one left when the lights go out. स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। ये धुआं जो है ये किसी और चीज़ का है, बखूर का है। आज हमारा सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि हमने म्यूजियम है बहुत प्यारा कतर का, ठीक है, वो मैंने अभी तक नहीं देखा है। मुझे किसी ने बोला था कि आप वहाँ जाके जो है चेक करें, बहुत जो है ना अंदर से जगह उन्होंने बनाई हुई है, तो आप लाजम जाके देखना। तो मैंने कहा आज ऑफ है तो वहीं पे चलते हैं, वहां जाके देख लेते हैं आज। तो बस चलते हैं, आप लोगों को भी जाके फिर दिखाता हूँ, लेट्स गो। बाहर जो है वीकेंड है, ऑब्वियसली छुट्टी है ना आज, तो रश इतना ज्यादा हर जगह पे। तो जहाँ पे मुझे जाना है मैंने कहा जो जगह लाजिम देखनी है मैंने, ठीक है, तो वहीं पे जा रहा हूँ। रास्ता जो है घर से इतना दूर नहीं है, करीब ही है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, रश ही बहुत ज्यादा है। एक्चुअली पता बात क्या है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है ना, गल्फ़ कंट्री से लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है रश काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पहले यहाँ पे रश इतना होता ही नहीं था इस साइड पे, अब तो भाई साहब हर जगह ही रश मिलता है आपको। जाते हैं, ठीक है, आप लोगों को जाके मैं वो जगह भी दिखाता हूँ आप लोगों को, सही है, ठीक है, फिर ओके मिलते हैं आप लोगों को, तब तक मैं ट्रैफिक इंजॉय करता हूँ। पहुंच गए अपनी जगह पे, अब जाते हैं जाके देखते हैं कि एंट्रेंस जो है वो किस साइड पे है। लोग तो काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, रश है इधर तो असल में हमने देखना है ये अंदर जाके देखना है, म्यूजियम टाइप कुछ बना हुआ है तो सुना काफ़ी इंटरेस्टिंग, अंदर से जाके देखते हैं अंदर है क्या सीन है। हम पहुंच गए हैं, पार्किंग की जगह मिल गई है, गाड़ी, ये क्या बकवास है कसम से, क्या बच्चे हैं खुदा की कसम, गाड़ी को मार मार के जा रहे हैं यार। कंट्रोल इनको लगा दो फिर होना इनका स्टार्ट हो जाता है, जाहिल इंसान। खैर हम लोग गाड़ी गाड़ी पार कर दी है, अब हम चलते हैं निकलते हैं, रश काफी ज्यादा है यार पता नहीं क्यों। यहाँ जाना हमने अंदर, यहाँ पे जाके देखते हैं अंदर है क्या, रश बहुत है, रश। मौसम भी प्यारा हो रहा है, ठीक है, ये गोल्फ कार्स भी घूम रही हैं आप, क्योंकि काफ़ी भरा जाता है और काफ़ी चलना पड़ता है यहाँ पे। देखते हैं आपको, हैवी फोटो शूट करवा रहे हैं लोग। टाइमिंग लिखी हुई है 9:87 PM, ठीक है, लास्ट एंड ठीक हो चलते हैं अंदर। ये जी एंट्रेंस है, स्टार्ट हो गई है एंट्रेंस, पता नहीं क्या क्या है अंदर, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं तो। हैं ये तो टॉयलेट्स हैं, यहाँ से जाते हैं ऊपर, नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर ही जाना पड़ेगा। इनका प्यार जाग रहा बहुत ज़्यादा ही, ये है, मुझे लगा उस साइड पे कुछ है लेकिन उस साइड पे वॉशरूम है सब, ऊपर कुछ है, ऊपर जाके देखते हैं। वाओ, अच्छा बनाया,
पहली शॉप आ गई है। हमारे काम भी कुछ चीज़ है लेकिन हम देखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप नहीं, एशियन कप का है ये। हाँ ये एशियन कप का लोगो है, ये भी है। अच्छा मैं भी ऊपर आया हूँ तो मुझे अभी ऊपर आके पता चला कि यहाँ पे जो है ना आपको टिकट बाय करनी है अंदर जाने के लिए। अंदर पता नहीं क्या चीज़ है, तो मुझे लगा शायद ऐसी एंट्रेंस फ्री थी, ये सब कुछ फ्री था, तो मुझे लगा एंट्रेंस ऐसी है आप अंदर आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे अंदर जाने के लिए पता नहीं बड़ी प्यारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। इन्हीं की बात मुझे वो लड़का कर रहा था कि ये जाके लाजिम देखना, तो अभी मैं ऊपर आया हूँ। फर्स्ट टाइम पता तो था नहीं, तो अभी हम जाते हैं नीचे वापस, वहाँ जाके टिकट लेते हैं इसकी। टिकट लेने के बाद दोबारा आके देखते हैं और आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ साथ साथ, ठीक है। ये हमने मिल गया। अच्छा जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए टिकट की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट अपना आईडी शो करना है और आपको ये पास मिल जाएगा। ये हम ऊपर जाके स्कैन करवा लेंगे तो हम एंटर कर सकते हैं अंदर, ठीक है। ये दिखाएँगे हम इसको, स्कैन करवाएँगे फिर अंदर जाएँगे यहाँ पर। चलो भाई स्कैन करवा के। चलते हैं अंदर। वाओ करा मैं इसको टच करके देखूं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे साइन लगाए हुए कि टच करना मना। यार ये क्या बात हुई यार, टच तो कर सकता इंसान। वाओ ये चेक करें आप। प्यारा बनाया है उन्होंने, देखें आप लोग। अब चलते हैं दूसरी साइड पे। अच्छा पीछे ले रहा, कहता साइड पे हो जाए, हो गया साइड पे यार ले लो। अच्छा जी जानवरों के बारे में उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेटिव चीज़ें लिखी हुई हैं। जानवर कैसे जो हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े नहीं होते कैसे पैदा होते हैं, आई थिंक उसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखें आप लोग पीछे। तो अच्छा है यार, नाइस, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, यूनिक टाइप का है, थोड़ा पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं हर चीज़ एनिमल्स के बारे में, इंसेक्ट्स जितने भी है ना। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करेंगे आप तो इंफॉर्मेटिव सब चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ से करें आप जूम, बहुत रियल लग रहा है, कैमरे में नहीं लग रहा इतना, बट नाइस यार। यहाँ से इसको कैंसिल करें फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा से। ये वही कीड़े हैं जो कुछ लोगों के अंदर होते हैं, उनको तंग करते हैं और वो फिर बातें सुनाते हैं फजूल की। ये वही कीड़े हैं जो कुछ लोगों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं पर, ठीक है। नहीं 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 ये वो कीड़ा है जो तुम लोगों के अंदर पाया जाता है, बाद आ जाओ तुम सब। ये
के सबके नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे असल में इन्होंने कतर का जो ओल्ड कल्चर है वो भी शो कराया है इन्होंने यहाँ पे, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें रखी हुई इन्होंने यहाँ पे एनिमल्स को लेके, हर तरह के एनिमल्स को लेके ना इंफॉर्मेटिव चीज़ें इन्होंने लिखी हुई, और जगह जगह पे इन्होंने सिस्टम्स लगाए हुए हैं कि उन एनिमल्स के बारे में आप प्रॉपर सर्च कर सकते हो, हर तरह की आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ें उनसे रिलेटेड मिलेंगी आपको। तो काफ़ी न्यू एक चीज़ है यहाँ पे, तो अच्छा इंटरेस्टिंग है काफ़ी। और यहाँ पे इन्होंने अपना ओल्ड कल्चर भी दिखाया हुआ है कि जो पहले लोग ऊंट पे यहाँ पे सवारी करते थे, ठीक है, उनके बारे में सारा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, पहले ज़माने में कैसे लोग ऊंट पे सफ़र किया करते थे, उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें रखी जाती थी। मैं आप लोगों को चीज़ें भी दिखाता हूँ सारी यहाँ पर रखी हुई, कैसे लोग लगाते थे। और यहाँ पर इन्होंने नीचे ये पूरा मोनिटर सिस्टम किया हुआ कि आप यहाँ पर प्रॉपर सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं उनको दिखाता हूँ और मजीद आगे जाके भी। ये चीज़ें पहले रखी जाती थी ऊँटों के ऊपर, इन पे बैठ के और सफ़र करते थे, फिर ये सब चीज़ें देखें, ये बैठने के लिए उनके ऊपर रखते थे, फिर उसके ऊपर बैठा करते थे लोग। बाकी इन्होंने हर चीज़ लिख के लगाई भी है यहाँ पे, ठीक है, इंफॉर्मेटिव जगह है, यहाँ पर आना चाहिए अगर आपको हिस्ट्री से कोई लगाव है थोड़ा बहुत, अगर फिर आप लोग यहाँ पर आएँ, नहीं तो मत आएँ। ये लोग यहाँ के फिल्म देख रहे हैं बैठ के, हाँ वो हिस्ट्री बता रहे हैं। ये देखें आप पहले ज़माने में, ये देखें बर्तन वगैरह भी हैं यहाँ पे लिख के लगाया भाई, क्या सीन क्या, आयरन पैन ट्रे सब इनकी ना पूरी डिटेल्स लिखी हुई है यहाँ पे। खैर ये चेक करें, पहले ज़माने में ऐसी हुआ करती थी चीज़ें। ये इनका बैग है, पता नहीं क्या कुछ है यार। अच्छा ये जो ईगल फाल्कन के ऊपर लगाते हैं ना मास्क की, उसका फेस कवर करने के लिए ये वो चीज़ है। यहाँ पे जो है चाय कावा बन रहा है, नाइस। ये आर्टिफिशियल ऐसे लग रहा है कि सच में आग जो है ना यहाँ पे जल रही है, लेकिन सच में नहीं है। इंटरेस्टिंग जगह है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है। अच्छा ये क्या है इधर, क्या है नहीं पता, देख रहे हैं अभी बस। ये कतर का मैप है पूरा, ठीक है, देखिए मूवमेंट हो रही है कतर में, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ नीचे भी कुछ है। अभी अभी मुझे पता चला, ये नीचे जाके देखते हैं नीचे है क्या।
ये फॉर माई क्वीन, क्वीन मतलब मेरी माँ के लिए, कोई और नहीं, क्वीन सिर्फ एक ही है, माँ। किंग एक ही है, बाप। चलते हैं ऊपर, वापस ऊपर देखते हैं ऊपर और क्या क्या है। लेकिन यार ठीक है, अच्छा है। अच्छा बना हुआ है, इंटरेस्टिंग है, काफी पुरानी चीजें उनके बारे में है, कतरा के ट्रेडिशन के बारे में है, और जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनके बारे में है। आप सेलेक्ट करोगे, मॉनिटर करोगे उनको, तो आपको उस एनिमल के बारे में हर चीज नजर आ जाएगी, वो कैसे पैदा होते हैं, उनकी ब्रीड कौन सी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा। नाइस, ये चीज अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा अच्छा मैं वापस जा रहा था, जहाँ से एंट्री एंटर हुआ ना मैं, तो वहीं से मैं वापस जा रहा था। मैंने कहा शायद ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया सारा, तो उसने मुझे बोला कि आपने सब देख लिया। मैं बोला हाँ ऑलमोस्ट देख लिया सब। कहता था आपने सब देख लिया तो यहाँ से नहीं आप निकलते, आप दूसरी साइड से निकलते, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि आप पूरा देखो पहले, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है, इसके फ्लोर भी है नीचे, ग्राउंड फ्लोर भी है। और कहता आप पूरा विजिट करो। उसने मुझे बताया यहाँ से लेफ्ट हो जाओ, फिर एक और लेफ्ट है, फिर नेक्स्ट राइट आएगा एक, वहाँ से अब राइट होना, वहाँ पे और भी बहुत कुछ है, तो उसके साथ स्टेयर्स आएंगी, तो फिर स्टेयर्स के साथ ही हमारा जो है ना एग्जिट होगा वहीं पे। मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। अच्छा ये है वो स्टेयर जिसके बारे में उसने मुझे बोला था, यहाँ से मैं हो गया हूँ पहले। कहते ये स्टेयर नीचे जाओगे आप, वहाँ से आपने लेफ्ट देन राइट, फिर वहाँ भी काफ़ी कुछ देखने के लिए है। कहता फिर वहीं साथ ही एग्जिट है, वो आपको ज़्यादा करीब पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है अब चलते हैं वहीं पे, जाके देख लेते हैं। बड़ा काफ़ी इधर है, हाँ ये राइट, ठीक है। लाइटिंग भी प्यारी है, डिम डिम लाइट्स, फुल फील, फुल म्यूजिक, सही फील्स आ रही हैं। ये जितनी भी बुक्स है ना यहाँ पे, ये सब इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे कितनी बैटल्स हुई हैं कतर में भी। यार ये तो मुझे पता ही नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। 1819, 1797, 1797, 1775, इनमें काफ़ी बैटल्स हुई हैं, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। नाइस यार, ये तो पता नहीं था हमें बिल्कुल भी। वाकरा सईद मसमीर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे काफ़ी बैटल्स हुई हैं, उसके बाद जाके ये इतना पीसफुल कंट्री हुआ है, ऐसी नहीं हुआ। ये सब रियल है, ये सिर्फ डिज़ाइन आर्टिफिशियल नहीं है, सब रियल हैं जितनी भी है ना। ये गन्स भी सब रियल हैं, पुराने ज़माने में जैसे हुआ करती थी, ये सब रियल है। अभी थोड़ा फनी सीन हो गया, ये आप देख रहे होंगे पीछे, ये मुझे लगा इसके आगे मिरर वगैरह कुछ नहीं है, तो मिरर लगा हुआ इतना साफ था, मुझे पता नहीं चला, मेरा सर हल्का सा लगा, मैं तो अंदर जा रहा था काफी। कोई बात नहीं, होता है, होता है, ऐसा होता है। इतना साफ था, पता नहीं लग रहा कि मिरर है कि विदाउट मिरर रखी हुई चीजें, मिरर है। हेलो हेलो, बच्चे बिना कसम से। ये आई थिंक कैमरा है, ये लिखा होगा। हाँ
सेल में प्रोजेक्टर था पहले ज़माने में, ऐसे होता था। और ये टाइपिस्ट जो होते थे पहले, टाइपराइटर जो होते थे पुराने, ये देखें पहले ऐसे ही होते थे लेटर बॉक्स वगैरह। कौन ही चीज़ें हैं सर, अच्छा हो गया मैं आगे आके देख लिया, मैं तो वापस जा रहा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें तो यहाँ आ गई हैं सही। अच्छा मैं उसने बता दिया मुझे, वरना मैं तो वापस जा रहा था। मैं यहाँ पे ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकता, अच्छा नहीं लगता, लोग सब मुड़ मुड़ के देखते हैं। काफ़ी पीसफुल साइलेंट माहौल है यहाँ पे। ओए ओए ओए, ये जगह थी जो मैंने देखी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये कतर का पूरा मैप है, पूरा का मैप है कतर का, जहाँ जहाँ पे रोड जा रही हैं, जहाँ जहाँ पे सब कुछ इन्होंने मेंशन किया भाई। यहाँ पे वो सारा सी एरिया है उधर, ये रनवे है एयरपोर्ट का, इस तरह बनाया हुआ है सारा। देख लिया हमने, बस हम लोग जाएंगे वापस। अच्छा था, इंटरेस्टिंग था काफ़ी, तो बस चलते हैं वापस। इंटरेस्टिंग प्लेस, रिकमेंड करूँगा आप सबको, आओ देखो देखो आगे। लेट्स गो, वापस चलते हैं घर को। तो अच्छा मुझे पता चल गया कि दूसरी जगह भी थी, वरना मैं तो वहीं से वापस हो रहा था। अच्छा ये ऊपर भी है, ऊपर गया कुछ तो है ऊपर भी। अच्छा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं ऊपर, ऊपर आओगे तो आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, कॉफ़ी शॉप भी आ गए। ठीक है, डिज़ाइन है कोई जो इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया हुआ ना यहाँ पे, बड़ा लाइट्स है, बड़ा प्यार है, उसी से सारा माहौल बन रहा है, तुम लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे ऊपर लाइब्रेरी है, रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन लाइब्रेरी इन्होंने अभी क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, पता नहीं क्यों, शायद टाइम ख़त्म हो चुका है। बस चलते हैं वापस यार, बड़ी हो गई। ठीक है, हाँ अच्छा था। ये है इसकी एग्जिट, बस अब लोग जाएंगे वापस। अब मैं आप लोगों को अपनी कार कलेक्शन दिखाना चाहूँगा कि मेरी कार कलेक्शंस देख लें आप लोग सब। यहाँ पे कार कलेक्शंस कुछ रखी हुई मैंने पुरानी ओल्ड टाइप की सारी, वालों को दिखा दो। ठीक है, ये मैंने सब ऐसे ही रख दिए हैं थोड़ी दिखाने के लिए, तो मैं इन पर ट्रैवल नहीं करता, यू नो। ये गाड़ी है, क्या है ये, वाह जहाज है पूरा। ट्रांसपेरेंट है पूरा, नज़र आ रहा है इसका। थैंक यू ब्रदर, चलते हैं वापस।
बस आज का भी लोग इतना ही था। हमने आज ही कतर नेशनल म्यूजियम देखना था, काफ़ी फेमस है यहाँ पे, मैं कभी आया नहीं। और इसको बनने के लिए आई थिंक कई साल लगे हैं, इसको कंप्लीट होने में कई 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 साल लगे हैं, मुझे अच्छे से याद है। 4 साल तो मुझे याद है, 4 साल तक तो ये बनता ही रहा था, और इससे ज़्यादा है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता अभी। खैर काफ़ी अच्छी जगह है और मज़ा आया मुझे, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। वो आके देखो, एक्सप्लोर करो इसको, बहुत इंफॉर्मेटिव जगह है, इंटरेस्टिंग जगह है, और अंदर से भी काफ़ी प्यारा है। जो वाइब्स इन्होंने अंदर दे दिए ना, और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया हुआ है यहाँ पे, मैं कहता हूँ एंड उसी से वाइब्स, उसी से फील्स आई हैं सारी। लाइट्स बड़ी प्यारी हैं, और एक अंदर लाइट शो भी चल रहा था। वो मैं गया हूँ वहाँ पे तो टाइम ख़त्म हो चुका था, एज़ यूजुअल हम लेट हो जाते होते हैं अक्सर, तो वो टाइम ख़त्म हो गया था, बस वो रह गया था, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारा देख लिया। ऐसी जगह जो हैं एक्सप्लोर करनी चाहिए लाइफ में, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है काफ़ी ज़्यादा। जैसे मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कतर में भी काफ़ी सारी बैटल्स होती रही हैं, जब कतर मतलब एक मुल्क कंट्री हो गया था उसके बाद इनकी सिटीज़ जो थी ना आपस में, अलवाकरा में से मेरे और भी 2-3 थी, उनको लेके भी बैटल्स होती रही इनकी आपस में, तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, यहाँ आके मुझे पता चली है। तो ऐसी चीज़ें देखते रहो, उससे ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। तो मुझे तो काफ़ी क्रेज़ है ऐसी जगहों पर जाने का, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का। आप लोग भी जाया करो, ठीक है, फजूल बातों से परहेज़ किया जाए और ऐसी जगहों को एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है। बस यहीं पर करते हैं आज का व्लॉग एंड। आज की जो अच्छी बात या अच्छी एडवाइस कह लो इस व्लॉग को लेके, वो यही है यार कि आप लोग, मूड नहीं आज, फिर कभी से, नेक्स्ट टाइम से, अल्लाह हाफिज़। तो बस चलते हैं जी, हमारी गाड़ी उस साइड भी पार्क है, मैं इधर ऐसे ही बैठा था। अच्छा इन्वायरमेंट है बैठने के लिए भी, बाहर ओपन एरिया बहुत, तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं उसके बाद ही निकलते हैं। तो बस अब निकलते हैं गाड़ी की तरफ, नेक्स्ट हम जाएंगे, सोचते हैं नेक्स्ट हम कहाँ जाना है। मैंने निबेड़ देना पूरा कतर, मैंने घूम लेना ऐसे ही, आप लोगों को भी दिखा देना। फैमिली टाइम में काफ़ी अच्छी जगह है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस।